चलो प्रीतम घर में छोड़ा है, प्रीतम घर में छोड़ा है, प्रीतम घर में छोड़ो। की कर रहे हैं और बढ़ता है। जब मैं जो पुलिस को मैंने अभी भी देखा है, मेरा नारा था आईजी का, आईजी की आंख का तारा इमरान हमारा, इमरान हमारा, क्योंकि आईजी को जब इमरान खान का सुनता है कि वो रैली निकालने लगे, आईजी पूरी पुलिस को भेज देते हैं। वो हमारे फैसलाबाद में सबसे छोटी ग्राउंड है, सबसे छोटी ग्राउंड। मरियम नानी सुन लो, तुम इस काबिल हो जहाँ पे हमारा एक काउंसलर भी तुमसे ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेता है, तुम उस छोटी सी, एक बहुत छोटी सी ग्राउंड में तुम चंद सौ वर्कर्स इकट्ठे करके और वो भी हजार हजार दो दो हजार दे के उनको पेमेंट की गई और फिर उनको यहाँ पे लाया गया ताकि वो इस जलसी में शिरकत कर सके, लेकिन वो जलसी भी बिल्कुल नाकाम हो गई। क्यों पुलिस को भेजते हैं भाई, प्रिजन मैन किस लिए है, दहशत गर्द है हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे, आज जो लाहौर में चल रहा है, कारकुनान मजीद पहुंचे हैं, एक दफ़ा पहले कारकुनों पे तशद्दुद किया गया, आज़िले शाह को शहीद किया गया, क्या कहेंगे। देखिए जी, मरियम नवाज जो है वो बहुत बड़ी लीडर है, महान लीडर है, लेकिन क्या करें कि महान लीडर जब जलसे करती है तो वो काले रंग के कपड़े लगा के करती है और उन बड़े बड़े जलसों में छोटी छोटी आवाम आती है तो उनको किसी मार्की में छुप के जलसे करने पड़ते हैं, लेकिन जब इमरान खान किसी रैली की या किसी जलसे की बात करती है तो ऑब्वियसली आवाम का जमे गफीर आना होता है और इनके असाबों के ऊपर जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, इतने असाब कमज़ोर हैं कि इधर बात होती है रैली की, इधर दफ़ा लग जाती है। और मुझे ये नहीं समझ आती, ये दफ़ा जो है ये भी अब मजाक बन चुका है, अदलिया मजाक बन चुका है, और ये सिर्फ जो डाकू रानी आई हुई है यहाँ पर राज करने के लिए, सिर्फ उनका राज चल रहा है, आवाम की तो कोई सुन भी नहीं रहा। और ये सारी आवाम जो है ये मेरे आप जैसे हमारे घरों से उठ के लोग आए हुए हैं, ये कोई किराए के बिरयानी के ऊपर ये सौ सौ रुपए दे के लोग नहीं आए हुए, सारे अपने पैसों से आए हुए हैं। और मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको डर क्या है, एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बार बार करते हैं कि ओ इमरान खान जबान तक से निकल नहीं रहा, जबान तक से निकल नहीं रहा, जब वो निकलता है तो आप उसको रास्ता नहीं देते। और दूसरी ये बात है कि आपको अगर जमहूरियत का पता है, जमहूरियत के लिए बे आप जानती है, तो जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आपने अपनी अपोजिशन को या आपके आपके साथ पार्टी है उसको अपने प्लेइंग फील्ड देनी होती है, वो भी खुल के लड़े, खुल के लड़ने का तो मौका नहीं दे रहे। और आप अपने बड़े बड़े जलसों के अंदर, बड़े बड़े जलसों के अंदर इतने लोग लेके आती हैं, आपका हमसे क्या मुकाबला। अच्छा क्या कहना चाहेंगी, लास्ट टाइम दफ़ा 144 नाफज थी, लेकिन कारकुनान मजीद तादाद में पहुँचे, इवन के पिछली दफ़ा जो जुल्म सितम किया गया, एक नौजवान को शहीद कर दिया गया और उसको एक्सीडेंट का नाम दिया गया, उस पर क्या कहेंगे। देखिए ज़िले शाह के साथ जो हुआ वो तो इंतहाई ज़्यादती की बात है, और जिस औरत को खून देखने की और नफ्सियाती मरीज़ हो उनको ये आदत पड़ चुकी होती है, और आवाम को डर ख़त्म हो गया। देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा डंडे मार सकते हो, आप क्या करोगे, मेरी जान ले लोगे बस, उसके अलावा एक मुसलमान का ये अकीदा होता है कि हमने जान अल्लाह को देनी है, हम सब ने मरना है, ये तो हमारे अकीदे के मुताबिक है। अगर ये मेरी जान ले लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे घर वाले चार पाँच दिन रोएंगे, दैट सेट मैं ऊपर जाके इनके सारे जो है अल्लाह ताला को गवाह बना के बताऊँगी कि इन्होंने ये जुल्म किया है, उससे आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। आप जो जुल्म कर रहे हैं कारकुनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप अपने जो है अकाउंट उसमें गुनाह लिखवा रही हैं, आप किसी का भी जोश जज्बा कम है। जब पुलिस को देखती हूँ मेरा जोश और बढ़ता है, जब मैं जो पुलिस को मैंने अभी भी देखा है, मेरा नारा था आईजी का, आईजी की आंख का तारा इमरान हमारा, इमरान हमारा, क्योंकि आईजी को जब इमरान खान का सुनता है कि वो रैली निकालने लगे, आईजी पूरी पुलिस को भेज देते हैं। क्यों पुलिस को भेजते हैं भाई, प्रिजन मैन किस लिए हैं, दहशत गर्द हैं हम लोग, मतलब आप लोग इतने बेरहम बेवकूफ़ हो चुके हैं, आपके ये वाला ऊपर वाला खाना काम करना छोड़ गया है कि ये कारकुन आपके हैं, इन्होंने आपको वोट देने, भाई जितना दबाओगे हम डबल उसमें निकल के आएंगे, पिछली दफ़ा मैं नहीं आई थी, इस दफ़ा मैं आई हूँ, अगली दफ़ा मैं फिर आऊँगी, सो क्यों रोकेंगे आप, रोक के क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलना ना, आप हमारे घर के चूल्हे चला रहे हैं आप, ना मेरी गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, इनफैक्ट जब आप आई एम से कर्जा लेते हैं तो आप मेरी लाश का सौदा करें कि हम इन पर डबल टैक्स लगाएंगे, हम इस कॉम को मारेंगे और इनके चीथड़े खाएंगे। जब आप डायन हैं जो मेरे चीथड़े खाने के लिए बैठी हुई हैं तो फिर डर किसका बात का, आपने मुझे वैसे भी मारना है, मेरे ऊपर कर्जों का बोझ डाल के भी मारना है और मुझे जिंदा रख के भी मारना है, तो बेहतर है कि डंडा मार के मार दें। जी आप देख सकते हैं ये जोश जज्बा है यहाँ हमारी बहनों का, माओ का,
और नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनका क्या जोश जज्बा है। जी अस्सलाम वालेकुम। कल जो जलसा हुआ था उसके बारे में बात करना ठीक है। फैसलाबाद में जो जलसा हुआ जलसी हुई है ना वो तो कहते हैं कि लाखों का समंदर होता है। जी जी लाखों का समंदर था, बल्कि मैंने अपने फेसबुक पे ट्विटर पे लगाया हुआ है। वो हमारे फैसलाबाद में सबसे छोटी ग्राउंड है, सबसे छोटी ग्राउंड। मरियम नानी सुन लो, तुम इस काबिल हो जहाँ पे हमारा एक काउंसलर भी तुमसे ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेता है। तुम उस छोटी सी, एक बहुत छोटी सी ग्राउंड में तुम चंद सौ वर्कर्स इकट्ठे करके और वो भी हजार हजार दो दो हजार दे के उनको पेमेंट की गई और फिर उनको यहाँ पे लाया गया ताकि वो इस जलसी में शिरकत कर सके। लेकिन वो जलसी भी बिल्कुल नाकाम हो गई। वहाँ पे लोग हाँ साहब मुझे ये बता दे, हाँ साहब के हुक्म पे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त एनी टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ससुराल फैसला यहाँ लाहौर रहते हैं, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैं सिर्फ चार दफ़ा आई हूँ अपने ससुराल से मिलने और खान साहब के लिए ये मेरा छठा मेरा यहाँ पे आना है, जो मैं दो माह में छठी दफ़ा आई हूँ। और शर्म करो तो तुम लोगों ने घर की औरतों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी मांगने पर मजबूर हो गई हैं। मुल्क हमारा, जगह हमारी, तुम्हारे बाप का मुल्क है। तुमने पुलिस देखी कल मरियम के जलसे में? मैंने पुलिस देखी, जितनी यहाँ पे हमारी आवाम है उसके लिए उतनी पुलिस थी, उसके बंदे कम थे और उसकी पुलिस ज्यादा थी। और यहाँ पे देखो फिरानो, यहाँ पे आम लोग हैं, मुझ जैसी आम औरतें हैं जो अपने घरों से अपने बच्चों को छोड़ के निकली हैं, अपने बच्चों को ये कह के आई हैं बेटा आपके मुस्तकबिल के लिए मैं निकल रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, मैंने इन लोगों के, इन हैंडलर्स के नीचे जैसे तैसे गुजार ली। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वैसी ज़िंदगी गुजारे जैसी हम लोगों ने गुजारी, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे, हमारी तरह गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारे वो लोग। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आज़ाद रहें, आज़ाद हों। आज़ाद ज़िंदगी ये नहीं होती कि जगह आज़ाद करवा ली गई। कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था, हमारे दिमाग आज़ाद नहीं हुए थे, हम इन एस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद नहीं हुए थे, हम इन हैंडलर से आज़ाद नहीं हुए थे। ये शऊर हमें हमारे खान ने दिया है कि हमने अपने बच्चों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप।